विक्रम जट हमारे सब्सक्राइबर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, ये कहते हैं कि सर तेरह मुखी रुद्राक्ष कामदेव और रति देवी के भी प्रतीक माना जाता है। आपने कहा था सिर्फ इंद्र भगवान का माना जाता है। मैं न्यू सब्सक्राइबर हूं, मेरा डाउट क्लियर कर दें। देखिए ये कामदेव और रति देवी, इनका प्रयोग कौन करता है अस्त्र के रूप में? जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो या तो कामदेव को भेजा जाएगा उनमें सेक्स की भावना जगाने के लिए, और रति के रूप में रंभा, मेनका, उर्वशी आदि आदि को भेजा जाता था उनका तप को भंग करने के लिए। क्यों? इंद्र देवता डरते थे कि भाई इनके तप से ये स्वर्ग को अपने वश में ना कर ले, ले, ले। मेरी गद्दी छिन जाएगी। जब पॉलिटिशियंस होते हैं गद्दी के छीनने के डरते रहते हैं तो वो भी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कोई पॉलिटिशियन जो है चक्रांत करके दूसरे पॉलिटिशियंस के वहाँ कुछ अश्लील वीडियो भेज देगा या कुछ बना लेंगे, कुछ कर देंगे। अभी कर्नाटका में कोई मंत्री हैं, उनके वो कहते हैं कि उनके पास अचानक एक बिना नंबर के कॉल आया। नेता हैं, पता नहीं कितने लोग फ़ोन करते रहते हैं, उठा लेते हैं शायद। तो जैसे ही उन्होंने उठाया तो वो कॉल जो है वीडियो कॉल था, वो उसमें एक लड़की निर्वस्त्र होकर खड़ी होगी, विदाउट क्लोथ्स, मतलब कुछ नहीं पहने हुए थे उसने। और आप जानते हैं कि जो व्हाट्सएप की वीडियो कॉल होती है तो वहाँ जो कॉल आ रहा है वो तो फिर आपका भी चेहरा दिखता है वहाँ। तो कोई चक्रांत कर रहा है कि भी उसको कैच कर ले, उसको रिकॉर्डिंग कर ले। बहुत तरीके होते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो उनको बदनाम करने के लिए ये चक्रांत खेला गया। वो तुरंत वो जो फ़ोन अपने बीवी को दे दिए तो, और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के डिक्लेयर कर दिए और पुलिस में केस भी कर दिए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं कितने कितने नेता फंस चुके हैं इस चक्करों में। क्यों करते हैं? क्योंकि एक नेता दूसरे नेता को नीचा दिखाना चाहता है, उसको पदच्युत करना चाहता है, पदच्युत करना चाहता है, दस्तक से हटाना चाहता है, गद्दी से हटाना चाहता है कि उसका वो कंप्यूटर ना बन जाए। इसलिए इसलिए जो इंद्र की बात हम कर रहे हैं, तेरह मुखी पर इंद्र देवता का होता है, तो इंद्र एक प्रतीक है। कोई व्यक्ति विशेष है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन यह है कि इंद्र देवता को जोड़ा जाता है कि ऐशो आराम से जोड़ा जाता है। इंद्र देवता को कहते हैं कि वो जो बादल गरजते हैं, हवा है या कामदेव हैं, ये जो इमोशंस हैं, रति हैं, उनके दरबार में नृत्य लगते हैं, सुरापान होता है, ऐशो आराम, जैसे क्लब हाउस हो कोई, ऐसा माना जाता है, वो समझा जाता है इंद्र को। तो तेरह मुखी रुद्राक्ष जो होता है, हम कहते हैं कि ये आपके ऑरा में एक अट्रैक्शन पैदा करता है कि आप कहीं जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाता है और अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए मददगार साबित होता है, कहा जाता है। आपको अपने अनुभव से देखना पड़ेगा कि कितना काम करता है ये। तेरह मुखी रुद्राक्ष का बीपी को भी कम करता है, मन को शांत करता है ये तेरह मुखी रुद्राक्ष। तंत्र विद्या में तेरह मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग होता है। तो तेरह मुखी के अधिपति जो मंत्रों में आता है, जब हम इसको एनर्गाइज करते हैं तो मंत्रों में उल्लेख होता है इंद्र देवता का नाम, और इंद्र देवता के अंडर में ही ये कामदेव, रति देवी सब आते हैं, क्योंकि इंद्र देवता ही इनको भेजते हैं। मतलब ही इज द मास्टर कंट्रोलर और ये सब टूल्स हैं। जैसे बोलो कि कोई ईडी है, ईडी के अंडर में वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद में मैनेजर्स हैं, बाकी लोग काम करते हैं। इस प्रकार से इंद्र देवता इज द कंट्रोलर ऑफ दिस फोर्सेस। तो मालिक हो गए, मतलब उसके अंडर में बाकी काम करने वाले कामदेव रति वगैरह हैं। तो आपका जो सवाल है, आपके सवाल में आपका जो उत्तर है वो भी सही है, लेकिन मंत्रों में ये जो उल्लेख आता है इंद्र देवता का ही नाम आता है। तो इंद्र देवता भी जोड़ सकते हैं आप, कामदेव भी जोड़ सकते हैं, रति देवी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा है कि यदि आप पुरुष में पहनते हैं तो कामदेव की जो ऊर्जा का थोड़ा सा प्रतिफलन आप में भी होगा, और आप लड़की हैं तो रति देवी का, मतलब अट्रैक्शन, ब्यूटी की बातें करते हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट करने में आपको मदद कर सकता है। ये बहुत परीक्षित तो है, लेकिन आपको कैसा सूट करता है डिपेंड करता है, क्योंकि कहते हैं रिजल्ट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप इसको देख समझ के पहन सकते हैं। अगले वीडियो में और कोई सवाल जो कि आप ही की तरह भेजे हुए होंगे उसको लेके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक कृपया आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।